श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने कहा कि मेरे चाहने वालों की दुआओं और प्रार्थना के बदौलत ही आज मुझे पुनर्जीवन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मुझे तत्काल मेदाता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। साथियों, आप लोगों ने बहुत दुआ प्रार्थना करी, इसके लिए मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आपको बता दूं कि सबसे पहले मुझे लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर मेरी हालत बहुत ही नाजुक थी। उसके बाद मुझे पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां पर भी स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बच पाऊंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने चाहने वालों का, जिन लोगों ने दिन रात एक करके, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों ने, सबने मेरे लिए दुआ करी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके आदेशानुसार मुझे तत्काल पीजीआई से निकालकर एक घंटे के भीतर तत्काल मेदाता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मुझे बहुत ही अच्छी सुविधा मिली और आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। आप सबकी दुआ के कारण से मुझे दूसरा जीवन मिला है। दुख की इस घड़ी में मेरे चाहने वालों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, अब जाकर थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। अपने चाहने वालों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर से दुआ करने की अपील करना चाहता हूं। अपने चाहने वालों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री जी का आदेश ना होता, यदि मुझे मेदाता हॉस्पिटल में भर्ती ना कराया गया होता, तो आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। मुझे सबसे अच्छी सुविधा यही प्राप्त हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार सभी जनपद श्रावस्ती मंडल के हमारे बलरामपुर, तुलसीपुर, बहराइच, गोंडा और तमाम जिलों से जो हमारे लिए दुआएं हो रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूं कि COVID-19 को हल्के में न लीजिए, ये तड़फा तड़फा के मारती है। 28 अगस्त को मैं बिल्कुल इतनी खांसी आ रही थी कि लग रहा था कि अगर चाकू या छुरी रखा हो तो अपने गले को काट लूं, अगर कोई जहर रखा हो तो उसको मैं पी लूं। लेकिन आपके, मैं वीडियो से ये कहना चाहता हूं कि संक्रमण COVID-19 का बहुत ख़तरनाक होता है। इतनी खांसी आती है कि पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है, सांस नहीं ले मिलता है, ऐसा लगता है कि तुरंत कोई हमको सल्फास की गोली दे दे। अंत में मैं सभी हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों को, जिन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद दिया, दुआएं की, उनको मैं तहे दिल से उनको नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और माननीय योगी जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इतने बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, आजीवन आभारी रहूंगा। और इस संक्रमण को हल्के में मत लीजिएगा भैया, बहुत तड़फा तड़फा के मारता है। मैं सभी के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में अगले हफ्ते आ रहा हूँ, आपसे ज़रूर मिलूँगा। जिन लोगों ने मुझसे मेरे लिए दुआएं की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, उनको मैं दिल से प्यार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।